इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड के चैप्टर नंबर एट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में जिसमें हम माइटोकॉन्डेरिया प्लास्टिक एंड डाइबोसोन को सिंपल सर आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे सीखेंगे रट्टा मारेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एट पॉइंट के बारे में माइटोकॉन्डेरिया माइटोकॉन्डेरिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियोन माइटोकोंडेरिया को स्टेन करने के बाद ही माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरिएबल होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया सेप एंड साइज में भी वेरिएबल होती है माइटोकॉन्ड्रिया साउ से सेप या सिलेंडिकल होती है माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर पॉइंट टू से बन पॉइंट जीरो एवरेज पॉइंट फाइव मीटर होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ बन से फोर पॉइंट वन होती है माइट्रोकोंडिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है माइट्रोकोंड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन माइट्रोकोंड्रिया के ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं इसका मतलब आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट माइट्रोकोंड्रिया के इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं माइटोकोन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन माइट्रोकोंड्रिया की कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्रिंग बनाती है माइटोकॉन्डेरिया <Daskopatia> के इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स की तरफ कई इन होती हैं जिसे क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा कहते हैं माइटोकोंडेरिया की क्रिस्टी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं माइट्रोकोंडिया की आउटर तथा इनर दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक एंजाइम माइटोकोंडिया के फंक्शन से संबंधित होते हैं माइटोकॉन्डेरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकोंडेरिया एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इस कारण माइटोकोंडेरिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए कुछ आरएनए एन एस राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी कंपोनेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फिजन द्वारा डिवाइड होती है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एट पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव प्लास्टिड्स के बारे में प्लास्टेड्स प्लास्टिड सभी प्लांट सेल एंड एग्लिनोइट्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड बड़े होते हैं इसलिए प्लास्टिड माइक्रोस्कोप से आसानी से देखे जा सकते हैं प्लास्टिड में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं जिस पिगमेंट के कारण प्लास्टिड प्लांट को स्पेसिफिक कलर प्रदान करते हैं पिगमेंट के टाइप के बेसिस पर प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्युप्लास्ट में क्लासीफाई करते हैं अभी इन तीनों को डिटेल में समझेंगे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरेटोनोइट नामक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं अभी हम बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरेटोनोइ पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे कैरिटोइ एंड जेंथोफिल तथा अदर क्रोमोप्लास्ट प्लांट को लाल पीले ऑरेंज कलर प्रदान करते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं तथा ल्यूकोप्लास्ट का शेप एंड साइज अलग अलग होता है बैरी करता है ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं जैसे अमाइलोप्लास्ट एलियोप्लास्ट एंड एलोरोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करते हैं एग्जाम्पल है पोटैटो एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल फैट एलोरोप्लास्ट बोले तो प्रोटोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन अभी हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट लेंस लेंथसेप्ड ओवल स्पेरिकल डिस्कॉइड या रिमिल लाइक -like ऑर्गेनल्स हैं क्लोरोप्लास्ट की लेंथ फाइव टू टेन म्यूमीटर तथा विथ टू टू फोर म्यूमीटर होती है क्लोरोप्लास्ट की संख्या बेरी करती है जैसे क्लाइमोडोमोनास एक ग्रीन एलगी में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा मीजोफिल सेल में बीस से चालीस क्लोरोप्लास्ट एक सेल में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन आउटर की तुलना में कम परमिएबल लेस परमिएबल होती है क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन द्वारा लिमिटेड स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं स्ट्रोमा में कई ऑर्गेनाइज्ड फ्लेट मेम्ब्रेनस सेक होते हैं जिन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं थाइलाकॉयड कॉइन के ढेर पाइल के रूप में रहते हैं जिन्हें हम ग्रेना सिंगुलर ग्रेनम या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड कहते हैं थाइलाकॉइड की मेब्रेन द्वारा घिरा स्पेस ल्यूमेन कहलाता है थाइलाकॉयड कॉइन के ढेर पाइल के रूप में रहते हैं जिन्हें हम ग्रेना सिंगुलर ग्रेनम या इंटरग्रेनल थाइलाकॉयड कहते हैं इसके अलावा स्ट्रोमा लैमली फ्लैट मेब्रेनस ट्रिब्यूल होती है स्ट्रोमा लैम्ली अलग अलग ग्रेना के थाइलाकॉइड को जोड़ती है थाइलाकॉइड की मैम्ब्रेन द्वारा घिरा स्पेस ल्यूमेन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं स्ट्रोमा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम सेवनटी एस साइटोप्लाजमिक राइबोसोम एटी एस से छोटे होते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग एट पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स राइबोसोम के बारे में राइबोसोम राइबोसोम सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा डेंस पार्टिकल के रूप में देखा था राइबोसोम किसी मेम्बरेन से घिरे नहीं होते हैं राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं हैंट में एटी एस जबकि प्रोकैरियोट में सेवन टी एस राइबोजोम होते हैं यहाँ एस सिबडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है एस इनडायरेक्टली डेंसिटी तथा साइज़ को नापता है मेजर करता है सेवन एस तथा एटी एस राइबोजोम दो सब यूनिट से मिलकर बंधे होते this is what you're